जैन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एज सेफ। तो आज हम देखने वाले हैं, मैंने तीन मेथड ऑलरेडी बता रखा है कि कैसे दुबई में जॉब पाएं। आज जो डालने वाला हूँ फोर्थ मेथड है, ठीक है ना। पिछला तीन मेथड अगर नहीं देखा तो आपने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जरूर देखें। इससे आप जेन्युइन जॉब पाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई बीच में मीडिएटर नहीं, कोई एजेंट नहीं होगा, ठीक है ना। सो केयरफुली वीडियो को ध्यान से देखिए और ऐसे आप अप्लाई करें, आपको 100% जेन्युइन जॉब मिलेगी, ठीक है ना। तो मैं अभी सिंपली मैं एक एग्जांपल देके आपको दिखाता हूँ। जस्ट मैं गूगल क्रोम में डालता हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग कंपनीज इन अबू धाबी। ओके, ये मैंने सिंपली डाल दिया। तो इसमें क्या होगा कि आप डेटा बन जाए, डेटा ऑन कर लेता हूँ। तो मैंने क्या डाला था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंपनी इन यूएई, ठीक है, यूएई नहीं अबू धाबी। तो यहाँ पे लिस्ट बन के आया आपका। तो यहाँ पे लॉट ऑफ कंपनीज का लिस्ट आउट दिखा रहा है गूगल के उसमें, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सिग्मा इंजीनियरिंग वर्क्स, EMDAT LLC अबू धाबी, MACE मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्टर, अल मरोजी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, पेंटा ग्लोबल इंजीनियरिंग कंपनीज LLC, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल ये मैं किसी एक का ओपन करके एक या दो आपको दिखाऊंगा। ये ऐसे है लिस्ट आउट, बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन सब में आपको एक एक करके ओपन करना है, उनके कैरियर पेज पे जाना है, अगर ईमेल वैकेंसी अवेलेबल है तो आपको अप्लाई करना है, नहीं तो उनके HR वाले ID पे आपको सेंड करना है। सो फॉर अगर आप मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल का, सिविल इंजीनियर हैं तो ऐसे ही आप सिविल इंजीनियर कंपनी, सिविल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज या सिविल टाइप की कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनीज इन अबू धाबी, कंस्ट्रक्शन कंपनी इज दुबई, कंस्ट्रक्शन कंपनी इज आजमान, कंस्ट्रक्शन कंपनी इन ओमान, ऐसे आप लोकेशन डाल डाल के आप एक बुक पे अपना नोट आउट करिए कहाँ कहाँ मैंने अप्लाई कर दिया और कहाँ कहाँ करना है। लोकेशन वाइज आप डालें, बहुत सारी कंपनियाँ मिलेंगी आपको, इसी पे करना है। 100% मैं श्योर कर रहा हूँ आपको जॉब मिलेगा, जेन्युइन जॉब मिलेगा, ठीक है। फिलहाल किसी एक का हम लोग ओपन कर लेते हैं, मान के चलते हैं पेंटा ग्लोबल ये इंजीनियरिंग कंपनी है और इसका अबू धाबी में है। मैं इसको क्रोम में ही एक दूसरा आइकन मैंने खोल दिया, उसको पेस्ट करता हूँ। तो ये इनका कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट खोल के आ गया है। रिव्यू आप देखना चाहें तो यहाँ से रिव्यू भी दे सकते, अच्छा लगे तो अप्लाई करिए, वो आपके ऊपर है। फिलहाल मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ, प्रोसीजर क्या है। ओके, तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते हैं। मैंने पेंटा ग्लोबल डाला था, ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल आ गया, पेंटा कॉपी नहीं हुआ एक्चुअली, तो पेंटा को कॉपी करते हैं। पेंटा को कॉपी की, नेक्स्ट वाले में हम पेस्ट करते हैं, पेस्ट कर दिया। ओके, सो ये आ गया पेंटा इंजीनियरिंग वर्क्स, यहाँ पे देख सकते हैं ये कहाँ पे है, मुसाफा अबू धाबी, प्लॉट नंबर इतना दिया है, यहाँ कैरियर्स डिटेल्स भी है। तो पहले हमें अप्लाई करने से पहले देखना है कंपनी की प्रोफाइल कैसी है, वो हम एक बार विजिट करते हैं। उसके बाद कैरियर पेज पे जाएंगे, कॉन्टैक्ट्स डिटेल पे जाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कंपनी काफ़ी अच्छा ग्रुप है इनका, अजमान में है, अबू धाबी में है, कुवैत, इंडिया, मलेशिया, ओमान, इंडोनेशिया, लॉट ऑफ इनके ब्रांचेस हैं, तो कंपनी में कोई डाउट नहीं है। थोड़ा सा सर्विसेज देख लेते हैं किस टाइम का सर्विसेज है। सो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन MEI कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट सर्विसेज, डिजाइन एंड इंजीनियरिंग, तो ये काम इनका भी अच्छा है। स्पेशलाइज्ड इन कोटिंग एंड सॉफ्ट फोल्डिंग सर्विसेज, तो ये अच्छा है, नॉट बैड है, ये सब हमने देख लिया। और इसके बाद हम एक बार अगर कैरियर पेज है तो अच्छी बात है, नहीं है तो हम कॉन्टैक्ट अस पे जाएंगे। तो पहले एक बार कैरियर पेज पे देखते हैं कि HR की ईमेल ID वगैरह है, वैकेंसी अगर है तो हम यहीं पे अप्लाई कर देंगे, नहीं है देन हम सोचेंगे।
सो यहाँ पे चार पांच आइकॉन खुल के आ रहे हैं, प्रोफेशनल्स, ग्रेजुएट एंड पेंटा ग्लोबल्स, कैरियर। तो हम पहले करंट जॉब ओपनिंग्स देखते हैं। ये ओपन होके आ गया करंट जॉब ओपनिंग का सेक्शन। सो इसमें अभी वैकेंसी है अवेलेबल, क्वांटिटी सर्वेयर मैकेनिकल, ठीक है। डिपार्टमेंट होगा प्रोजेक्ट का और लोकेशन है जिरकू इसलैंड आबू धाबी, ठीक है ना। देखिए एकदम प्रैक्टिकल जॉब बता रहा हूँ मैं। और ये अपडेटेड क्लोजिंग कब होगा इनका, एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट है 31 जुलाई 2022, ठीक है ना। 31 जुलाई 2022 को ये एक्सपायर हो जाएगा, इससे पहले आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो आपने देख लिया, अब हमें क्या करना है, अप्लाई करना है। अप्लाई करने से पहले आपको ईमेल आईडी चाहिए, ठीक है ना, ईमेल आईडी चाहिए। उसके बाद अगर नहीं ईमेल आईडी है तो उस पर कैरियर पेज पे फॉर्म भी आप भर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे प्रोफेशनल्स के लिए सेक्शन दिया है, उसमें ईमेल आईडी नहीं हमें दिख रही है, ठीक है ना। सो हमें क्या करना है, जो हमारा जॉब टाइटल है उस पर क्लिक करना है, ठीक है। जॉब टाइटल पर क्लिक किया तो ये देखिए सब खुल के आ गया, सब खुल के आ गया आपकी डिटेल्स, ठीक है ना। अबू धाबी में जॉब है, क्वांटिटी सर्वेयर्स का है और जो लोकेशन हो गया, प्रोजेक्ट है, जो डिपार्टमेंट है, क्लोजिंग डेट है 31 जुलाई 2022, ऑलरेडी मैंने बताया। अब आपको क्या करना है, जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि हमें एचआर की ईमेल आईडी मिल गई। सो एचआर की ईमेल आईडी मिलते ही हमें इसको क्या करना है, कॉपी करना है। ये मैं कॉपी कर लिया। अब फिर अपना इसके बाद का प्रोसीजर तो आपको पता ही होगा, वो मैं बताऊंगा। उससे पहले हम थोड़ा सा क्वालिफिकेशन देख लेते हैं इनका। एडुकेशनल क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएट या डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एक्सपीरियंस ऑयल एंड गैस का होगा, होना चाहिए। मिनिमम एक्सपीरियंस 7 ईयर। लोकेशन देख लिया, लीव साइकिल 1 मंथ पर ईयर, 1 साल में 1 महीने की छुट्टी मिलेगी, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन, रिस्पॉन्सिबल फॉर चेकिंग द मेजरमेंट री मेजरमेंट क्वान्टिटीज ऑफ वर्क लाइन विद कॉन्ट्रैक्ट क्वालिफिकेशन। ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तो जो क्वान्टिटी सर्वेयर होगा उसको तो पता होगा, वो उनकी की एरियाज है। बट ये एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से दिया है, ठीक है ना। जॉब कोड आपको ये मेंशन करना है सब्जेक्ट लाइन में, QSM02। मैं आपको एक बार लिख के बता देता हूँ। एचआर की ईमेल आईडी यहाँ से कॉपी ऑलरेडी कर लिया, जॉब कोड यहाँ से लेंगे। तो मैं जाऊँ ना आईफोन के ईमेल में, ठीक है ना, क्रिएट किया, ये मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है ना, 2 में हो गया। अब ये कह रहे हैं यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी रहेगी, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं कि इसमें आपको सब्जेक्ट क्या देना, सब्जेक्ट भी मैं यहाँ कॉपी लेता हूँ, उनको क्लियरिटी रहेगी किस जो प्रोफाइल का, सब्जेक्ट भी मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, ओके। अब यहाँ मैं अपना ये एक अच्छा सा क्या बनाऊँगा, एक क्रिएट करूँगा ईमेल जैसे आप लिखते हैं, वो तो आपको पता होगा। उसके लिए मैं आपको अच्छे से वीडियो बनाऊँगा, डियर सर या रिस्पेक्टेड सर जो भी है, यहाँ से करके आप अटैचमेंट करके अपने डॉक्यूमेंट जो जो मैं बोला हूँ वो आप भेज दीजिए, ठीक है ना। सो ये हो गया आपका एग्जाम्पल, अभी मैं इसको हटा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इतना बेहतरीन एग्जाम्पल आपको मुझे नहीं लग रहा कहीं कोई बताएगा। आप घर बैठे इंडिया में हैं, अपने कंट्री में हैं, वहाँ आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। सो नेक्स्ट चलते हैं हम अपने फर्स्ट वाले आइकॉन में। इसमें क्या है, ऐसे देखिए, इंजीनियरिंग सर्विसेज है, इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंपनी है और बहुत सारी लिस्ट हैं। तो अभी मैं एक और देख लेते हैं आप लोग के नॉलेज के लिए। इसमें क्या है, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिक, सबके लिए है ये। आप अपना मैकेनिकल की जगह से इलेक्ट्रिकल डाल दीजिए, सिविल डाल दीजिए। एक और एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना। ये मैंने कॉपी किया, EMDAD LLC, ये भी मैकेनिकल कंपनी है और ये अबू धाबी में है। इनका काम देख लीजिए क्या है यहाँ पर, ये देखा। अभी एक बार देख लेते हैं पहले प्रोफाइल, ऑटोमेटिक तरीके को बताऊंगा तो सही रहेगा, ठीक है ना, ताकि आप लोग को जॉब सर्चिंग में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इसमें जाते हैं,
सर्विसेस आना चाहिए इसमें, प्रोडक्ट एंड सर्विसेस। हाँ ये रहा ना, प्रोडक्ट एंड सर्विस तो किसी एक को देख लेते हैं, प्रोडक्ट ये क्या बनाते हैं। वैसे तो इनका काम बहुत सारा है, हमें क्या करना है कि प्रोफाइल देखना है कि कंपनी का काम क्या है। तो इनके पास कास्टिंग एग्जिस्टिंग सिस्टम है, फिनिशिंग सर्विस, फिशिंग सर्विसेज, मशीन ऑफ सर्विसेज, वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज, तो प्रॉब्लम नहीं है ठीक है ना। ड्रिलिंग एंड प्रोडक्शन, लॉट ऑफ मैकेनिकल वर्क है, इट मीन्स हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और कॉन्टेक्ट अस में जाकर देख लीजिए, कुछ ईमेल आईडी मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हमें क्या करना है, हम डायरेक्ट उनके एचआर की ईमेल आईडी पे भेजेंगे, लाइक कैरियर पेज पे जाएंगे ना। कैरियर पेज में हम जाते हैं तो यहाँ पे अच्छे से दे दिया है, नाम डालिए, ईमेल आईडी डालिए, फ़ोन नंबर डालिए, और यहाँ पे अपनी स्पेशलाइजेशन डालिए, किस डिपार्टमेंट से हैं, इंजीनियरिंग से हैं कि हेल्थ एंड सर्विसेस, मार्केटिंग के, ऑयल एंड क्वालिटी, सब कुछ इसमें है ठीक है। अगर आप मान के चलिए कि मैन्युफैक्चरिंग आपका एक्सपीरियंस है तो डाल दीजिए, कवर लेटर लिखिए। कवर लेटर भी मैं बताऊंगा आपको कैसे लिखना होता है, जॉब एप्लीकेशन के टाइम में कवर लेटर बहुत ही ज़रूरी है, सीवी के साथ साथ कवर लेटर इम्पॉर्टेंट है। चूज फाइल, यहाँ से आप अपना अटैचमेंट कर सकते हैं ठीक है ना, और फिर सबमिट करेंगे ठीक है। सो फ्रेंड्स, दो मैंने एग्जांपल्स के लिए बता दिया, इतना आई थिंक मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और ये मेथड 4 है, ये चार मेथड आप अपनाइए अपनी लाइफ में, अपने कैरियर में, तो आप गल्फ मिडिल ईस्ट के जॉब इजीली पा सकते हैं ठीक है। किसी एजेंट, किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है इसमें, डायरेक्ट एम्प्लॉयर से आप कॉन्टेक्ट हो रहे हैं। मैं जेन्युइन मेथड अपनाता हूँ और जेन्युइन मेथड ही आप लोग को। थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग दिस शो। जय हिंद, वंदे मातरम।